पापा क्या हुआ? पानी लाऊं आपके लिए? पापा आप इतना क्यों रो रहे हो? आपने इतनी बड़ी गलती थोड़ी की है। गलती तो थी बेटा, इतनी छोटी सी गलती, लेकिन अब माफी भी मांग ली ना। अंकल के पैसे भी लौटा दिए। अंकल ने भी कहा था आपने ये पैसे लिए इसका मतलब आपकी बहुत बड़ी मजबूरी होगी। भगवान जी, मेरे पापा को लगता है आपने उन्हें माफ नहीं किया। मेरे पापा को माफ कर दो ना प्लीज भगवान जी, कर दो ना यार। कर दिया, ठीक है पापा। भगवान जी कह रहे उन्होंने आपको माफ कर दिया। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सच बोलने का है ना। पैसे आदित्य, मैंने एफडी तोड़वा दी। ये 2 लाख रुपए है, तुम इससे लोन चुका लो। लेकिन विद्या, ये पैसे अभिषेक के आने वाले कल के लिए। आदित्य, अभिषेक के आने वाले कल से ज्यादा जरूरी उसका आज है। मैं अपने बच्चे को एक डर के साथ जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकती। अरे उन लोगों का क्या है, वो तो गुंडे बदमाश हैं। उनको उनके पैसे नहीं मिले तो वो हमारे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आदित्य, अब प्लीज इतना भी मत सोचो, बस ये पैसे उनको लौटा दो। और प्लीज प्लीज मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी इसके बारे में कोई भी बात नहीं करोगे। मैं कोशिश करूंगा। मैं नहीं, हम कोशिश करेंगे। सारी जिंदगी एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाने की कसमें खाई है, और मैं जानती हूं हम दोनों मिलकर सारी मुसीबतों का सामना कर लेंगे। क्या काम है जी? सर, वो मैं चाहता था कि मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाए। तुम्हारे चाहने से मिल जाएगी? सर, अगर आप बात करें तो। क्यों मिस्टर आदित्य बाबा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें यहां से क्यों निकाला गया है। तुमने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और तुम्हारी सिफारिश करके मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता, समझे? मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया सर। तो किसने किया है? आप जानते हैं सर। सर, आप कहे तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। किस बात की माफी? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। सर प्लीज, मुझे मेरी नौकरी वापस दिलवा दीजिए। प्लीज, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज सर, इस बैंक को तुम्हारी जरूरत नहीं है। सर प्लीज, मेरी नौकरी। तुम्हारी जगह हमने दूसरा आदमी रख लिया है। मैं कोई भी काम कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा सर। प्लीज, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जाओ यहां से। सर प्लीज, सर प्लीज, मुझे नौकरी वापस दिलवा दीजिए। प्लीज सर। तुम जाते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं?